हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डूइंग ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 127, क्लास 8, चैप्टर 8. क्वेश्चन इज लाइक दिस. फाइंड सेलिंग प्राइस इफ अ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन. इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट परसेंट 5% ऑलरेडी गिवन है. तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसमें दिया है कि एक साइकिल है जिसकी कॉस्ट जो है वो 700 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ उस पर ओवर हेड चार्जेस लगे, मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं. तो इस पर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. सो वी विल फाइंड आउट, लेट सी द सोल्यूशन. फर्स्ट का ए पार्ट, पहले सीपी लिखेंगे कि सीपी कितना है. तो 700 में 50 प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल सीपी 700 में 50 रुपीस प्लस हो के आएगा, जो कि हो गया 750 रुपीस. अब हमें पता है कि गेन परसेंट जो है वो 5% है. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी. यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट है वो 5% है, तो 100 प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, और सीपी जो है वो 750 है. फाइंड करेंगे, 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, 105 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड में 10. 5 से काटेंगे 15, 5 2 10, इसको कट कर देंगे 715 को, तो ये आ जाएगा 7.5. 105 की अब 7.5 से मल्टीप्लाई होगी और आंसर आएगा, 105 की जब हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे .5 को 50 लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा, तो ये आंसर होगा इसका. नाउ दिस इज बी पार्ट, जिसमें अ लॉन मोअर बॉट एट द रेट ऑफ 1150 विथ 50% 50 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. इसमें लॉन मोअर का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और जिसमें 1150 रुपीज़ का वो है और 50 रुपीज़ उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं. ये दोनों चार्जेस मिला के ही टोटल सीपी बनेंगे और एसपी हमें यहाँ पे फाइंड करना है. चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. इसका बी पार्ट करते हैं, जिसमें कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 1150 में 50 रुपीज़ ऐड किए जाएंगे, तो टोटल हो गया 1200. अब इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड किया जाएगा. सेलिंग प्राइस फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस. तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1200, जिसमें 00 से 00 कट हो जाएंगे. 100 प्लस 5 105 होगा, मल्टीप्लाई होगा 12 से. 12 5 60, 6 कैरी, 12 0 0, 6 12, तो ये आंसर आएगा 1260 रुपीस. नाउ दिस इज सी पार्ट, अ फैन बॉट फॉर रुपीस 560 रुपीस का फैन है और उसमें 40 रुपीस उसके रिपेयर पे लगे हैं. तो टोटल सीपी जो होगा वो हमें प्लस करके फाइंड करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस उसके बाद निकालेंगे. प्रॉफिट परसेंट इसमें दे रखा है 5%. चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट सी पार्ट. इसमें कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 560 में 40 रुपीस प्लस करेंगे,
टोटल हो गया 600 रुपीज़। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस का 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। गेन परसेंट में फिर से 5% लगेगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 600, सीपी 600 है, ये टू ज़ीरोज़ आपस में कट हो जाएंगे। 100 प्लस 5 105 इंटू 6 आंसर आएगा 630 रुपीज़, 630। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भी क्वेश्चन में आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, उसका सलूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा।